नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि वालों। दोस्तों, पिछले 3 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार के पीछे पड़ा है और आप इन्हें पहचानने में भी अभी भी भूल कर रहे हैं। ये दोस्तों, अगर आप इन्हें समय रहते नहीं पहचान लेंगे तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए विपरीत परिस्थिति हो सकता है। तो दोस्तों, समय रहते इन्हें पहचान लें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है पूरे जीवन के लिए। क्यों दोस्तों, अगर आपके पैर में कोई कांटा लग गया है और वह कांटा किस जगह है अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको पता चल जाए कि वह कांटा किस जगह है और अगर आप उन्हें निकाल देंगे तो दोस्तों आपका पैर सही सलामत रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपके जीवन काल में भी ये जो है ये आपके कांटा की तरह है, इन्हें अगर आप यश में निकाल देंगे तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके साथ आपको यह व्यक्ति किस क्षेत्र में मिलेंगे, इन्हें आप कैसे पहचान कर सकते हैं, शादी दोस्तों यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, घरों की ये चाल आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का शीर्ष आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो दोस्तों यश में उन्हें बनने की पूरी संभावना है। भविष्य संबंधी कुछ योजनाओं पर भी यश के विचार विमर्श होगा। कुछ रुका हुआ पेशा भी मिलने से आपकी चिंता दूर होगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। इसको प्रणाम दोस्तों यश में। अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों दोपहर के बाद परिस्थितियां जो है कुछ प्रतिकूल रहेंगी, बनते कार्यों में भी विघ्न आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पड़ोसियों के साथ भी किसी प्रकार का वाद विवाद में ना उलझें। दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसको प्रणाम दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निर्णय लेते समय उसका परिणाम आप पर क्या होगा और आपके आसपास के लोगों पर क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें। आपके मौज मस्ती स्वभाव के कारण लोग आपको यश में गैर जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। आपको दी हुई जिम्मेदारियों को निभाकर ही आप बाकी बातों के बारे में सोचें, ये आपके लिए यश में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो दोस्तों इन पर यश में आपको गौर करना चाहिए। इसको प्रणाम दोस्तों यश में। घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल का माहौल रहेगा तथा परिवार में कुछ समय से चल रही अस्वस्थता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बनाएंगे और इनमें कामयाब भी रहेंगे तथा थकान और व्यस्त भरी दिनचर्या से यश में आपको राहत भी मिलेंगी। शादी दोस्तों यश में आपको बता दें कि संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के सलाह से आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसको प्रणाम दोस्तों यह समय आपके लिए सुन होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मिले हुए अपयश से संबंधित भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। बार बार नकारात्मक विचार आपके अंदर आने की वजह से क्षमता होने के बावजूद भी आप पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर यह समय आपको गौर करना चाहिए। इसको प्रणाम दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा कर कर ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। ग्रह गोचर आपका साथ देगा और यश में आप उनमें सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता दें। धर्म कर्म तथा समाज सेवा संबंधी कार्यों में भी यश में आपकी रुचि बढ़ेगी और महत्वपूर्ण शुभ समाचार भी इसमें आपको मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी आपको ध्यान देना इसमें आवश्यक होगा। बुरी नीयत के लोगों से आपको इसमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही कोई नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार भी आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसको प्रणाम दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें, परिवार के लोगों के बीच में हो रहे विवाद अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। फिर भी दोस्तों एक दूसरे के प्रति रखी गलत भावनाओं को दूर करने की आप कोशिश करें, ये भी आपका दायित्व होगा।
इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी समझदारी के लिए जो भी आप फैसले लेंगे आर्थिक स्थिति को बेहतर ही बनाएंगे। नई दिखी मित्र या फिर संबंधियों के घर में मेहमान बनकर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। दोस्तों किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ पेशी का लेते समय सावधान रहें, किसी प्रकार का नुकसान होने की आशंका है। दोस्तों यशमी मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक। यशमी किसी प्रकार की यात्रा करने के लिए जो समय है आपके लिए बहुत ही तकलीफदायक रहेगा, तो इनसे बचें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे पैसे कमाने के एक से अधिक जरिया आपको होने की वजह से आपको काम में संतुलन बनाए रखना यश में कठिन रहेगा, लेकिन अगर चाहेंगे तो इनमें बना पाएंगे। पैसे से संबंधित जो भी टारगेट है यश में आपका पूरा होगा। फिर भी दोस्तों पेशा का कोई एक अच्छा स्रोत बनाए रखना आपके यश में अत्यंत आवश्यक हो रहा है, इसलिए दोस्तों पेशे के बारे में स्थिरता लाने की आप यश में कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में बिजनेस या फिर नौकरी संबंधी कोई भी बड़ा फैसला खुद ही लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अन्यथा दोस्तों किसी और की गलती का खामियाजा यश में आपको भुगतना पड़ सकता है, इस बात पर यश में आप गौर करें। अगर कोई सरकारी मसला अटका हुआ है तो दोस्तों उससे संबंधित कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि कार्यस्थल पर कुछ बदलाव संबंधी काम होंगे। यश में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेते समय आप उन पर पुनर्विचार जरूर करें, दोबारा फैसला जरूर लें। नौकरी में कुछ नए तथा बेहतरीन अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, इनका योग बन रहा है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक व्यवस्था की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों सहयोगियों तथा कर्मचारियों की मदद से सब काम सुचारू रूप से संपन्न भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की खुशनुमा और फिर सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। परिवार आपस में मेल बैठकर मिलना जुलना आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान रखेगा। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर आपका मान सम्मान व फिर दबदबा भी बना रहेगा। अगर किसी के साथ साझेदारी कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंभीरता से अमल करें, यह साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारियों का साथ आपके लिए उचित बने रहेंगे और उनके साथ आप बड़ी कामयाबी भी यश में हासिल कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध जो है मधुर रहेंगे तथा परिवार के साथ मनोरंजन व फिर शॉपिंग आदि में भी समय आपका व्यतीत होगा तथा प्रसन्नतापूर्ण वातावरण यश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण तो बना रहेगा, सब परिवार आपस में बैठ मिलकर जो है अपना आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान यश में महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपके घर परिवार के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण तो सुखद बना रहेगा, परंतु कोई दुखद समाचार मिलने से मन में थोड़ा सा उदासी भी रहेगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट करके अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, दोस्तों इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, किसी बच्चे को कोई सफलता मिलने से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने पर अपना विशेष ध्यान रखें तथा सर्दी से अपना बचाव रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या और फिर खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि गैस और एसिडिटी जैसी हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती है, इसका आशंका लग रहा है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें तथा वाहन भी सावधानीपूर्वक ही चलाएं। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे, और साथ ही दोस्तों यश में अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खांसी जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कत तो रहेगी, दोस्तों घरेलू इलाज से यह आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आप घरेलू इलाज से भी ठीक हो सकते हैं, तो दोस्तों चिंता ना करें।